Hi guys, welcome to the Punam Pharma channel. Myself, Punam Agarwal. Today, discussions the topic is glycolysis cycle. तो हम लोग इसके पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं कि कार्बो कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म का इंट्रोडक्शन्स क्या है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं उसका टाइप्स क्या है और उनके कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन से पाथवे इन्वॉल्व होते हैं और उन पाथवे का सिंपल डेफिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं अगर आप लोग वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा एगेन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल तो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का मतलब होता है कि हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट होते हैं पायरवेड मॉलिक्यूल में दैट कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड इज द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में कंप्लीटली स्टेप फॉलो होते हैं और वहां से कुछ अमाउंट में ए टीपी जेनरेट होते हैं और कुछ अमाउंट में ए टीपी कंज्यूम्ड करते हैं तो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़े तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज सिक्स फर्स्ट में ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज सिक्स फर्स्ट में ड्यूट होता है ग्लूकोज काइनेज एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं हमारे ए कंज्यूम्ड होते हैं और ए जनरेट जेनरेट होते हैं उसके बाद ग्लूकोज सिक्स फर्स्ट इज कन्वर्टेड टू द फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्ट पेट ड्यू टू द एंजाइम फ्रू ग्लूकोज सिक्स आइस सॉरी फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्ट पेट आइसुमरेज एंजाइम इसमें क्या होते हैं कि हमारे जो ग्लूकोज मोलिकूल कन्वर्ट होते हैं फ्रुक्टोज में तो यहाँ पे कुछ आइसमराइजेशन प्रोसेस होते हैं और आलडीहेड से फॉर्म में कन्वर्शन हो जाते हैं उसके बाद फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्ट पेट एगेन कन्वर्टेड टू द फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई फर्सफेड ड्यू टू तो द फसपो फ्रुक्टोकनेज एंज यहाँ पे हमारे ए रिक्वायर्ड होते हैं और ए डी जेनरेट होते हैं तो हमारे यहाँ पे ए का कंज्यूम्ड हुए हैं उसके बाद हमारे फ्रुक्टोज वन सिक्स बाई एक इस डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वन इज द डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन फर्सफेड बाई द एनजेम एल्डोलेज एंज and second one is the glyceraldehyde 3 phosphate by the enzymes of the aldolase enzyme the fructose 16 biphosphate can be converted into the dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphates then glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxyacetone phosphate are commonly isomerized in both ways. then glucose glyceraldehyde 3 phosphate is again converted into the one three by phospoglycered, one three by first ड्यू टू द एंजाइम्स वा ग्लिस थ्री फर्स्ट पेट डीहाइड्रोजनेज ये इसमें क्या होता है हमारे एन का रिक्वायरमेंट होते हैं और एन जनरेट होते हैं तो यहाँ पे वन एन ए डी एच इजिकल टू थ्री ए टी पी रिक्वायर जेनरेटिंग तो यहाँ पर कितने अमाउंट्स में ए टी पी जेनरेट हुए जो हमारे फिफ्थ नंबर स्टेप हैं ग्लिसराल डेट थ्री फर्स्टपेट टू वन थ्री बाई फर्स ग्लिसरेट कन्वर्सन्स प्रोसेस में हमारे मेनली सिक्स ए टी पी कैन बी जेनरेट नेक्स्ट वन इज द वन थ्री बाई फर्सपो ग्लिसरेट इज अगेन कन्वर्टेड इन टू थ्री फर्स्पो ग्लिसरेट बाई द एनजाइम्स फर्स्पोग्लिसरेट एसकाइनेज एंजाइम यहाँ पे हमारा क्या होता है ए डी पी का कंज्यूम्ड होता है और ए टी पी का जेनरेटन तो होता है तो यहाँ पे मेनली टू ए टी पी कैन बी सिंथेसाइज और जेनरेटिंग देन थ्री फर्स्ट पुक लिसरेट इज एगन कन्वर्टेड इंटू द टू फस्ट बाय लिसरेट द एंजाइम फर्स्ट काइनेज एंजाइम Then two phosphoglycerate is again converted into the phenol pyruvate by the enzyme enolase enzymes. Then phosphoenol pyruvate is converted into the pyruvate by the enzyme pyruvate kinase. It will be required to the two amount of ATP can be generates. These are the ninth number step and completely last step is the. टेंथ नंबर स्टेप पायरुवेड टू कन्वर्सन्स ऑफ है पायरुवेट टू लक्टेड बाय द एनजाइम लक्टेड डिहाइड्रोजेज एंजाइम तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कम्प्लीट ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के लिए मेनली टेंथ स्टेप चाहिए पहले हमारा ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फर्स्टफेड में कन्वर्ट होते हैं ड्यू टू तो दाम दे एंजाइम देन ग्लूकोज सिक्स टू फ्रुक्टोज सिक्स ड्यू टू द सम एंजाइम फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्पेड टू कन्वर्सन्स ऑफ द फ्रुक्टोज वन सिक्स बाय फर्स्टफेड ड्यू टू द रिक्वायरमेंट

ATP molecules. Then 1 3 by is again converted into the 3 phosphoglycerate by due to some requirement of enzyme and generating of a 2 molecule of ATP. देन थ्री फर्स्पोग्लिसरेट इज एगन कन्वर्टेड इंटू द टू फर्स्पोग्लिस टू फर्स्पोक्सरेट इज एगन कन्वर्टेड इंटू द फर्सो इनोल पायरोड बाय द एनजाइम एनोलेज एंजाइम फर्स्ट पो इनोल पायरोट इज एगन कन्वर्टेड टू द पायरोड बाई एनजाइम पायरोट काज एंड पायरोड इज एगन कन्वर्स इन द लाक्टेड बाय द लाक्टेड डिहाइड्रोजेज एनजे तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कैन भी अकरिंग इसमें कुछ अमाउंट्स में एनर्जी का जेनरेट्स होते हैं तो टोटल कितने अमाउंट्स के एटीपी के भी होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे तो पहले हमारे ग्लिसर डिहाइड्रोजेज एंजाइम जो थे टू मोलिकुल्स कैन बी जेनरेट वहाँ पे हमारे मेनली टू ए टी पी कैन बी सिक्स एमिकुल ए टी पी कैन बी जेनरेट फर्स्ट पर फ्रुक्टोज काइनेज एंजाइम्स के दौरान पे टू ए टी पी जेनरेट्स होते हैं तो काइनेज एंजाइम्स में दो ए टी पी का जेनरेशन होता है तो कंप्लीटली टेन ए टी पी कैन बी जेनरेट इन द गैकुलसिस साइकिल एंड दे आर टू ए टी पी कैन बी कंज्यूम्ड इन द रिएक्शंस ऑफ ए कैटेलाइज ऑफ एक्सोका एनेज फसपो फ्रुक्टोज एनजे तो यहाँ पर दो ए टी पी कंज्यूम्ड हो गए तो दस से दो जाने से टोटल एट ए टी पी कैन बी जेनरेट बाय द ग्लैकोलाइसिस साइकिल तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लैकोलाइसिस साइकिल में कंप्लीट ग्लैकोलाइसिस साइकिल्स अकरिंग होने के लिए कितने अमाउंट में ए टी पी का जेनरेशन्स होता है तो मोस्टली एट ए टी पी तो आई होप आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि हमारा ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्सन्स होने के कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल और इस कंप्लीट प्रोसेस में टोट मोस्टली एट मॉलिक्यूल ऑफ ए कैन बी जनरेट होते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आप लोगों को ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के बारे में कंप्लीटली समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपको आप लोगों के लिए नई नई वीडियो ला सकूँ थैंक यू फॉर वाचिंग